कहा है कि ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, उसी काम को बी 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बी अकेला जो कि 5 डेज तक काम किया उस काम में, देन उस काम को छोड़ के चले गए। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, और यहां पर ऑप्शन दिए गए। तो सिंपली देखिए इस टाइप क्वेश्चन का ट्रिक है, मान लीजिए ए किसी काम को एक्स डेज में, बी उसी काम को वाई डेज में, बी अकेला वाई ऑन डेज तक काम किया, देन उस काम को छोड़ के चले गए। बाकी जो काम है वो ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि ट्रिक है, जो कि देखिए बी छोड़ के चले गए। तो सिंपली बी जो कि वाई माइनस वाई ऑन अपॉन वाई इनटू ए जो कि एक्स डेज में एक्स डेज, यानी कि ए अकेला बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे वाई माइनस वाई ऑन अपॉन वाई इनटू एक्स डेज में, जो कि यहां पर y माइनस वाई ऑन होगा जो कि y 10 माइनस वाई ऑन 5 अपॉन y 10 इंटू एक्स जो कि 15, जो कि 1 अपॉन 2 होगा, 1 अपॉन 2 इंटू 15 जो कि 7 एंड 1 अपॉन 2 डेज, जो कि a अकेला बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उसको 7 एंड 1 अपॉन 2 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि ऑप्शन b आपका आंसर होगा। और अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ए किसी काम को 15 डेज में, उसी काम को बी 10 डेज में, ए उस काम को छोड़ के चले गए 5 डेज बाद, यानी कि जो कि ए 5 डेज तक जो कि अकेला उस काम को किया, देन उस काम को छोड़ के चले गए, देन बाकी जो काम है वो बी कंप्लीट कर पाएंगे, तो ट्रिक क्या होगा चलिए इन सबको मिटाते हैं। और यहां पर देखिए ए छोड़ के चले गए, ए जो कि एक्स, यानी कि यहां पर एक्स ऑन होगा, एक्स ऑन, बी काम जो कि अकेला बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे एक्स माइनस एक्स ऑन अपॉन एक्स इन टू वाई जो कि वाई डेज में, जो कि यहां पर क्या होगा एक्स माइनस एक्स ऑन जो कि 15 माइनस एक्स ऑन 5 अपॉन 15 इन टू वाई जो कि 10, जो कि यहां पर आपका होगा 10 अपॉन 15 जो कि 2 अपॉन 3 इंटू 10 जो कि 20 अपॉन 3 डेज में, जो कि आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।